हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो इसके आगे के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम ड्राइंग में फेस शेडिंग और फेस का जो टेक्सचर है वो रियलिस्टिक ड्रॉ कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम बियर्ड ड्रॉ कर सकते हैं, और बियर्ड ड्रॉ करने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा कि जिससे आपकी स्केच और ज़्यादा रियलिस्टिक दिखेंगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बियर्ड्स या हेयर्स जिसमें भी डार्क वैल्यू ज़्यादा है तो वो ड्रॉ करने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ग्रेफाइट पेंसिल के बजाय चारकोल पेंसिल का यूज़ करें, क्योंकि हेयर्स या फिर बियर्ड्स जिसमें भी डार्क वैल्यू ज़्यादा है तो उसको ड्रॉ करने के लिए अगर हम ग्रेफाइट पेंसिल का यूज़ करें तो वहाँ पर हमें 8 पिक पेंसिल्स या फिर उससे भी ज़्यादा ग्रेड की पेंसिल्स यूज़ करनी पड़ेगी। और जैसे कि आपको पता है कि अगर हम ज़्यादा ग्रेड की पेंसिल्स यूज़ करते हैं ग्रेफाइट पेंसिल्स में, तो वो जो पेंसिल्स होते हैं वो उसकी शेडिंग शाइन करने लगती है। तो इसी वजह से चारकोल पेंसिल का यूज़ करें तो वहाँ पर वो ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पर मेरे पास कैमलिन के चारकोल पेंसिल्स है, और कैमलिन के चारकोल पेंसिल में जो सॉफ्ट जो कि ब्लू कलर की होती है, तो वो पेंसिल का यूज़ करके मैं सबसे पहले जहाँ कहीं पर डार्क वैल्यू है तो वहाँ पर स्ट्रोक ऐड कर रहा हूँ, और स्ट्रोक ऐड करने के लिए मैं थोड़ा सा प्रेशर का अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं लाइट हैंड से अगर मैं स्ट्रोक ऐड करता हूँ तो वो कुछ लाइट शेडिंग होती है, तो इसलिए डार्क शेडिंग के लिए मैं थोड़ा सा प्रेशर का अप्लाई करके स्ट्रोक्स ऐड कर रहा हूँ। और स्ट्रोक ऐड हो जाने के बाद मैं सिंपली ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से, यहाँ पर ब्लेंडिंग स्टफ नहीं, ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से मैं जो भी स्ट्रोक ऐड किए तो उसके ऊपर मैं थोड़ा सा ब्लेंड कर देता हूँ, जिससे कि शेडिंग का जो बेस लेयर होता है वो क्रिएट हो जाता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं हाईलाइट के बारे में, कि किस तरीके से रफ पेपर के ऊपर चारकोल पेंसिल का यूज़ करके हम हाईलाइट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं अलग से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज़ करके स्ट्रोक ऐड कर रहा हूँ। तो स्ट्रोक्स मैं ऐसे ऐड कर रहा हूँ कि दो स्ट्रोक के बीच में थोड़ी गैप रहे, गैप वहीं रखना है कि जहाँ मुझे हाईलाइट करना है। तो ऐसे ही मैं पूरे जो भी एरिया है तो वहाँ पर मैं स्ट्रोक्स ऐड कर रहा हूँ, और फिर उसे मैं ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से उसे ब्लेंड कर देता हूँ। और ब्लेंड हो जाने के बाद मोनोज़ीरो इरेजर के हेल्प से जहाँ कहीं भी मैंने गैप छोड़ी थी तो उस गैप के एरिया को ही सिर्फ हाईलाइट करना है। तो जहाँ कहीं भी रेफरेंस पिक के अंदर जो हाईलाइट का एरिया है तो वो आसानी से हाईलाइट हो जाएगा। अगर हम स्ट्रोक्स के ऊपर हाईलाइट करने की कोशिश करें तो वहाँ पर मोनोज़ीरो काम नहीं करता। तो काफ़ी लोग जो शुरू में मोनोज़ीरो इरेजर का यूज़ करते हैं तो वो यही गलती करते हैं कि स्ट्रोक्स के ऊपर वो हाईलाइट करने की ट्राई करते हैं, पर अगर स्ट्रोक्स के ऊपर आप हाईलाइट करने की ट्राई करोगे तो वो नहीं होगा। तो इसीलिए स्ट्रोक्स के बेस में थोड़ी जगह हो और वहाँ पर अगर आप मोनोज़ीरो से हाईलाइट करोगे तो वो अच्छे से होगा। तो यही है सिंपल ट्रिक हाईलाइट करने की। This right here was sold here. East PA, the city born and raised. I got the gold here. All my brothers with me, like we shooters, boy, we cold it. I'ma buy a mansion for my mama, cause it's golden. Say my boys are tripping, but we living, that's the gold here. Hey, way we living, man, that's gold here. Yeah, need a pendant for my gold here. Loving family, boy, that's gold here. Living off a dream. Boy. Yeah, driving through the city looking reckless. I'm a mean green machine. Started writing on my checklist, checking off if you feeling me. Hey, I support the greatest, give me energy. Like I might take them haters, turn them frenemies. I got me an army from the king, so state your business, please. I'm a shooter with that word, like ooh, like ooh. I'm caught up, you see me playing. I'm caught up, you see me faking. I'm caught up, I need you praying. I'm caught up, I need the payment. I'm caught up, ain't no mistaking. You caught up, I need you. Open up your mind and tell the story like this right here is sold, yeah. East PA, the city, born and raised, we got the gold, yeah. All my brothers with me like we shooters, boy, we cold, yeah. I'ma buy a mansion for my mama, cause it's gold, yeah. Say my boys is tripping, but we living as the gold, yeah. Let's go.
और हाईलाइट हो जाने के बाद हमारा लास्ट स्टेज आता है। लास्ट स्टेज में हमें हमारे जो भी रेफरेंस है उसे अच्छे से ऑब्जर्व करना है। रेफरेंस पिक में हमें वो ऑब्जर्व करना है कि कहाँ डार्क वैल्यू ज़्यादा है और कहाँ लाइट वैल्यू। तो जहाँ कहीं भी डार्क वैल्यू ज़्यादा है और हमारे स्केच में वो कम है, तो हमारे स्केच में वो डार्क पेंसिल का यूज़ करके वहाँ हमें और स्ट्रोक्स ऐड करने हैं। ये स्टेज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कभी हमें लगता है कि हमारा स्केच कंप्लीट हो गया है, पर असल में वो नहीं होता। तो अगर आप रेफरेंस पिक को अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो कहाँ पर आप अपने मिस किया है तो वो आपको समझ आ जाएगा। तो बीयर ड्राइंग के लिए यही सिंपल सा टेक्निक है, लेयर वाइज लेयर शेडिंग करो। लेयर वाइज मतलब पहले स्ट्रोक सेट करो, फिर उसे ब्लेंड करो, फिर उसे हाईलाइट करो। तो यही साइकिल हम जितनी बार यूज़ करते हैं हमारे स्केच में, हमारा स्केच उतना अच्छा दिखता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस दैट हाउ कैन वी ड्रॉ रियलिस्टिक बियर्ड विथ यूजिंग चारकोल पेंसिल्स ऑन रफ पेपर। सो इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो देन गिव अ बिग थम्स अप एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।